वेलकम टू सी आर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर फाइन। बेटा हम नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ का चैप्टर रीड कर रहे थे, चैप्टर नंबर 6 है ज्योग्राफी का। इसमें कल हमने बात की थी मेडिटेरियन वेजिटेशन की, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, और देन हमने ग्रासलैंड के बारे में पढ़ा। ग्रासलैंड के बारे में हमने सिर्फ इतना ही जाना कि जो ग्रासलैंड है वो भी आगे टू पार्ट्स में डिवाइड है। एक है आपके ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, मतलब उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, और दूसरे हैं आपके टेम्परेट ग्रासलैंड, मतलब कि शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल। और नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा श्रब्स, यानी कि झाड़ियां। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रासलैंड की, और उसमें भी हम बात करते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की। देखिए, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, these occurs on either side of the equator and extend till tropics. these occurs, ये भूमध्य रेखा के दोनों तरफ हो सकते हैं, and extend till of tropic, और कहां तक? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक। this vegetation grow in the area, ये vegetation उस area में होती है of moderate to low amount of rainfall, जहां पर जो बारिश है वो मध्य से कम तक होती है। द ग्रास कैन ग्रो वेरी टॉल, यहाँ पर जो घास है वो काफी लंबी लंबी उगती है, अबाउट 3 to 4 meter हाइट, जिसकी ऊंचाई 3 से 4 meter ऊंची हो सकती है। सवाना ग्रासलैंड्स ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का सवाना ग्रासलैंड आर ऑफ दिस टाइप, इसी प्रकार का ही एक घास स्थल है। एलिफेंट्स, जेब्रा, जिराफ्स, डियर, लेपर्ड्स आर कॉमन इन द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में पाए जाने वाले ये कॉमन एनिमल्स हैं। देखिए, ये एक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का पिक्चर दिखा रखा है बेटी। देखिए, यहाँ पर घास के मैदान ही मैदान है, ट्रीज नहीं है। यहाँ पर घास काफी लंबी है, जैसे यहाँ पर 3 से 4 meter की ऊंचाई तक आपकी ग्रासेस हो सकती है। आगे देखिए, नेक्स्ट है आपका टेम्परेट ग्रासलैंड, मतलब कि शीतोष्ण कटिबंध के घास के मैदान। देखिए, दीज आर फाउंड इन द मिड लैटिट्यूडनल जोन एंड इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंटिनेंट। दीज आर फाउंड इन द मिड लैटिट्यूडनल, जो मतलब मध्य अक्षांशों में, मध्य अक्षांश का जो क्षेत्र है वहां पर पाए जाते हैं, एंड द इंटीरियर पार्ट ऑफ द सब कंटिनेंट, और जो कंटिनेंट है, महाद्वीप है, उसके आंतरिक भागों में पाए जाते हैं। यूजली ग्रासेस हेयर इज शॉर्ट, ज्यादातर यहाँ पर जो घासें हैं वो छोटी होती हैं, एंड न्यूट्रिशियन पोषक होती हैं। वाइल्ड बफेलो, जंगली भैंस, बिशन, एंटीलॉप्स आर कॉमन, और जो एंटीलॉप्स हैं आर कॉमन इन द टेम्परेट रीजन, वो इस क्षेत्र के अंदर पाए जाने वाले, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाने वाले वाइल्ड बफेलो, बिशन और एंटीलॉप यहाँ के कॉमन एनिमल्स हैं। नेक्स्ट इज श्रब्स, या फिर हम बोल सकते हैं थॉर्नी बशेस। एक नाम हम और दे सकते हैं इसको, वो क्या नाम है इसका? थॉर्नी बशेस मींस कांटेदार झाड़ियां, थॉर्नी बशेस। देखिए, दीज आर फाउंड इन ड्राई डेजर्ट, ये शुष्क रेगिस्तान लाइक दीज आर फाउंड इन ड्राई डेजर्ट लाइक रीजन, ये शुष्क रेगिस्तान जैसे इलाकों में पाई जाती हैं। ट्रॉपिकल डेजर्ट्स आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कंटिनेंट्स, और जो ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय जो रेगिस्तान है, जो मरुस्थल है, वो कंटिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन पर, मतलब कि उसके पश्चिमी किनारे पर स्थित है। द वेजिटेशन कवर इसका बिकॉज ऑफ स्कैनिटी ऑफ रेनफॉल एंड स्कॉर्चिंग हीट, जो वेजिटेशन कवर इज स्कार्स हेयर, यहाँ पर वनस्पति की कमी है बिकॉज ऑफ स्कैनिटी रेनफॉल, क्योंकि यहाँ पर बारिश भी कम होती है, एंड स्कॉर्चिंग हीट, और बहुत ज्यादा तीव्र गर्मी होती है। स्कॉर्चिंग मतलब बहुत तीव्र। आइडेंटिफाई द डेजर्ट रीजन इन द वर्ल्ड मैप, आप पहचान कर सकते हैं रेगिस्तानों की विश्व के मानचित्र के अंदर। कैन यू नेम द ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया,
क्या आप भारत की ग्रेट डेजर्ट का नाम बता सकते हैं? भारत का डेजर्ट कौन सा है बताइए बेटा। कल मैं आपसे यही क्वेश्चन पूछूंगी, आपने अच्छे से इसको चेक करना है कि इंडिया का ग्रेट डेजर्ट कौन सा है। ठीक है, नेम ऑफ द कॉमन एनिमल्स ऑफ द डेजर्ट विच यू हैव लर्न अर्लियर। कह रहे कुछ और कॉमन एनिमल, नेम सम ऑफ द कॉमन एनिमल्स, कुछ ऐसे कॉमन एनिमल ऑफ द डेजर्ट जो कि रेगिस्तानों में पाए जाते हैं, जिनके बारे में आपने पहले पढ़ा है, वो नाम भी आपने लिखने हैं आपकी रफ नोटबुक में। इफ यू रीच द पोलर रीजन यू विल फाइंड द प्लेस एक्सट्रीमली कोल्ड। जब आप पोलर रीजन ध्रुवीय प्रदेशों में पहुंच जाएंगे तो आप ये पाएंगे कि वो जो प्लेस है और एक्सट्रीमली कोल्ड, बहुत ही ठंडे प्रदेश है। द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, और जो वहां पर प्राकृतिक वनस्पति की ग्रोथ है, इज वेरी लिमिटेड हेयर, वो यहाँ पर बहुत ही कम है। ओनली मॉइसिस लाइकेन एंड स्मॉल श्रब्स आर फाउंड हेयर। यहाँ पर सिर्फ काई लाइकेन और छोटी छोटी झाड़ियां ही पाई जाती हैं। इट ग्रोज ड्यूरिंग अ वेरी शॉर्ट समर। ये जो कब उगती हैं, जब बहुत शॉर्ट समर, बहुत कम समय के लिए यहाँ गर्मी पड़ती है, तब ये वहां पर ग्रो करती हैं। दिस इज कॉल्ड टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन। इसे हम टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहते हैं। कौन सी है ये? मॉइसिस लाइकेन, मतलब काई है, लाइकेन है ये। दिस वेजिटेशन इज फाउंड इन द पोलर एरियाज ऑफ यूरोप। इस प्रकार की वनस्पति यूरोप के ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाती है, यूरोप के, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका के ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाती है। द एनिमल्स हैव थिक फर एंड थिक स्किन टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन। कि यहाँ पर जो एनिमल पाए जाते हैं, थिक फर, उनके लंबे लंबे बाल होते हैं, एंड थिक स्किन, और उनकी जो चमड़ी है वो भी मोटी होती है। क्यों? टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन, ताकि वो अपने आप को इतनी ठंडी क्लाइमेटिक कंडीशन, जलवायु की जो दशाएं हैं, उनसे बचा सके। मतलब ठंडी जलवायु की दशाओं से बचाने के लिए उन एनिमल्स के थिक फर होते हैं और उनकी स्किन भी थिक होती है। सील, वॉलरस, मस्क ऑक्सन, आर्टिक आउल, पोलर बियर एंड द स्नो ऑक्सेस आर सम ऑफ द एनिमल्स फाउंड हियर। ये कुछ एनिमल के नेम हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं। सलीमा फादर शोड हर सम फोटोग्राफ्स ऑफ थिक फॉरेस्ट। सलीमा के पिता ने उसे कुछ पिक्चर दिखाए घने जंगलों के। इन सम ऑफ द फोटोग्राफ्स, उनमें से कुछ पिक्चर्स में सलीमा ने ऑब्जर्व किया दैट पीपल वर कटिंग ट्रीज, की लोग पेड़ों को काट रहे हैं, एंड क्लियरिंग द फॉरेस्ट, और जंगलों को साफ कर रहे हैं। हर फादर एक्सप्लेन, उसके पिता ने बताया दैट द लोकल पीपल, ये वहाँ के स्थानीय लोग हैं, वॉन्टेड देयर लैंड फॉर एग्रीकल्चर और सेटलमेंट, जिन्हें खेती के लिए और बस्तियां बनाने के लिए जमीन चाहिए, इसीलिए वो जंगलों को साफ कर रहे हैं। So they cleared up the forest, इसलिए वो जंगलों को साफ कर रहे हैं। सलीमा started wondering, सलीमा ने सोचना शुरू किया, if all forests are cleared, यदि सभी जंगल साफ हो जाएंगे, then where will the wildlife go, तो जो जंगली life है, जो wildlife है, जो वन्य जीवों का जीवन है, वो सब कहाँ चला जाएगा? Will the forest take in original shape again, क्या जंगल अपने पुराने रूप में दोबारा वापिस आ सकेंगे? If people go on cutting the trees like this, यदि लोग इसी प्रकार से पेड़ों को काटते चले गए, will there be enough oxygen, water vapor, timber, fruits, nuts available in future? तो क्या फ्यूचर में हमें ऑक्सीजन, वाटर वेपर, जलवाष्प, टिम्बर मैंने लकड़ी, फ्रूट्स, नट्स यानी कि ड्राई फ्रूट्स हो गया आपका, अवेलेबल इन फ्यूचर, क्या हमें सब कुछ जो है फ्यूचर में उपलब्ध हो पाएगा? Do you agree with Salima? क्या आप सलीमा से agree हैं? Hold a discussion with your friends about the depletion of our diversified flora and fauna. Suggest some of the measures conserve them. कह रहे कि आप सलीमा की बात से agree हैं? Yes, हम बिल्कुल agree हैं। यदि जंगल खत्म हो जाएंगे तो ऑक्सीजन की कमी होगी। ऑक्सीजन नहीं होगी तो मानव रहेगा कैसे? और सब कुछ क्या ये फ्यूचर में हमें प्राप्त हो पाएगा? जब जंगल ही नहीं रहेंगे तो हमें लकड़ी कहाँ से मिलेगी? अब जंगल ही नहीं रहेंगे तो बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो वाटर की कमी होगी, वाटर वेपर की कमी होगी, फ्रूट्स की कमी होगी, तो ये सब हमें दोबारा नहीं मिल पाएगा। और इसके साथ साथ हम वनस्पति और जो वन्य जीव हैं उनकी डाइवर्सिटी, मतलब वो अलग अलग जो विविध विविध प्रकार के पाए जाने वाले वनस्पति और वन्य जीव हैं,
उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए बेटा, ये जो पोलर रीजन में पाए जाने वाले एनिमल्स हैं, उनके पिक्चर सिखा रखे हैं यहाँ पर, देख रहे हैं आप। ये वॉलरस है, ये पोलर बियर है, ये आपका सील है, और उसके ऊपर देखिए एक आपका ये दे रखा है कॉलम, देख रहे हैं आप। डू यू नो ग्रासलैंड आर्स नॉन बाय द डिफरेंट नेम इन डिफरेंट रीजन, कि जो घास के मैदानों की हमने बात की थी ना, जो घास के मैदान है उन्हें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, ईस्ट अफ्रीका में उसे सवाना कहा जाता है, ब्राजील में कंपास, वेनेजुएला में लाइनोस, टेम्परेट ग्रासलैंड, अर्जेंटीना में पंपास, नॉर्थ अमेरिका में प्रेरी, साउथ अफ्रीका में वेल्ड, ठीक है, एशिया के अंदर स्टेपी, और ऑस्ट्रेलिया में उसे डाउन कहकर बुलाया जाता है। ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही चैप्टर, इससे आगे हम कल रीड करते हैं। ओके।